नमस्कार दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आईएएस प्री 2017 की चौथी सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 106 के आगे 105 के आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे 106 से, और जो भी पूरे डेढ़ से दो साल के अंदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए करंट को लेकर, उनको मैंने आधार बनाते हुए यूपीएससी के पैटर्न को देखते हुए पीटी के मैंने कुछ क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। क्यों फॉर्म किए हैं, कहां से उसका बेस आया, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले कि तीन सीरीज जो है मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, ये चौथी सीरीज है जहां मैं और आगे बढ़ते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो 106 नंबर का क्वेश्चन है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस यानी नीट एग्जामिनेशन। आपने देखा इस साल ये काफ़ी चर्चा में रहा, इसके विषय में जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जैसे ये सीबीएसई के माध्यम से कंडक्ट किया जाएगा। इस क्वेश्चन को रखने के पीछे कारण ये है कि इस बार के जो बजट में है वो एक यूनिफाइड टेस्ट सिस्टम बनाने की बात हो रही है कि एक एकल सिंगल एजेंसी होगी जो देश में सभी टेस्ट को जो है वो कंडक्ट कराएगी, और ये सुपर स्पेशल बॉडी जो होगी वो हर तरह के टेस्ट को कंडक्ट कराएगी। स्पेशलिस्ट होगी सीबीएसई और एआईसीटी जैसे इंस्टीट्यूशन जिनका काम रेगुलेशन करना और शिक्षा में गुणवत्ता लाना है, क्वालिटी एजुकेशन को प्रिवेल करना है, वो अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगी। तो नीट को आप जो है वो फोकस जरूर कर लीजिएगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस नल एंड वाइड हुआ था, फिर उसके बाद इसको अलाउ कर दिया गया। तो सभी तरह के अब जो मेडिकल के एग्जाम होंगे, चाहे वो डेंटल हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, वो सब नीट के माध्यम से होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 107 है, सूफी मत क्या है। ये हम मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सूफी मत क्या है, प्रमुख सूफी संत कौन कौन से हैं, साथ ही साथ इसके पैरेलल जो समानांतर भक्ति आंदोलन क्या है और प्रमुख भक्ति आंदोलन के संतों के नाम क्या क्या हैं। तो ये चार क्वेश्चन मैंने इसके साथ रखे हैं। कारण क्या है, आपने देखा कि जो हमारे यहाँ निजामुद्दीन जो दरगाह है वहां से दो सूफी संत पाकिस्तान गए और वो एबडक्ट हो गए, वहां से उनको अगवा हो गए। साथ ही साथ पिछले वर्ष जो है प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन में गए। तीसरी जो घटना हुई वो ये कि एक डिबेट पूरे विश्व में शुरू हुई कि इस्लाम जो है वो अपने वहाबी आंदोलन की तरफ जा रहा है और उसमें सूफिज्म का जो है प्रभाव वो कम हो रहा है। सूफिज्म जो प्रभाव है, सूफी का प्रभाव वो लिबरल है, ज्यादा मानवता के करीब दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसको जो है जब यूपीएससी ये चाहेगा कि जो एस्पिरेंट है वो जो ये घटनाएं चल रही क्या उसका उसको फंडामेंटल पता है या नहीं पता है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा जो है हमारा अतीत पार्ट टू जो शायद 7th क्लास की बुक है, पेज नंबर 31 से पेज नंबर 35, आप इसको जाइए और सीधे वहां पढ़ लीजिए। तो हमारे यहाँ कौन कौन से सूफी मत हैं, ठीक है, औलिया चिश्ती, इनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के पैरेलल जो है वो एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन हमारे देश में चला। तो प्रमुख भक्ति आंदोलन क्या था ये और उसका जो है प्रभाव क्या रहा, उसके प्रमुख संत कौन कौन से, जो लीडर्स थे वो कौन कौन से भक्ति आंदोलन के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर, पंचायत में महिलाओं की क्या स्थिति है और आरक्षण संबंधी क्या प्रावधान है। चूंकि पंचायत एक ऐसा पार्ट है जिस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, और उसमें जो है हम देख रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो हम आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि पंचायतों में आर्टिकल 243D के अंतर्गत जो है हमने पहले 33% का प्रावधान रखा, 50% हम करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को रखने के पीछे ये भी कारण रहा है कि एक तो हमने देखा कि नागालैंड में जो है महिलाओं को जब ज्यादा राजनीतिक अधिकार देने की बात हुई तो वहां बहुत अनरेस्ट अशांति हो गई, राइट। वहीं दूसरी तरफ गुजरात ने 100% जो है वो महिलाओं को ही रिजर्व कर दिया सीटें वहां के लिए, कि ये पूरी पंचायतें कुछ जो क्षेत्र हैं वहां पर सारी महिलाएं ही चुनी जाएंगी और जो है 100% महिलाओं के द्वारा बनी हुई पंचायतें होंगी। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरे साल चर्चा में रहा, तो डेफिनेटली जो है वो इसको आप अपडेट कर लीजिए, छोटा सा ही पार्ट है। इसके साथ साथ 109 रियल एस्टेट बिल की मुख्य विशेषता, इस बार एक जो है वो रियल एस्टेट बिल आया। हमने देखा कि बिल्डर्स जो है वो उपभोक्ताओं का काफी शोषण करते थे और कारपेट एरिया के हिसाब से ना करके वो अतिरिक्त जो लॉन्ज एरिया बताकर वो पैसा ले लिया करते थे।
उन्हीं का पैसा निवेश कराते थे और टाइम से डिलीवरी नहीं होती थी, दुनिया भर के चार्जेस लगाए जाते थे और उपभोक्ताओं का शोषण होता था। तो पहला कॉन्सेप्ट है रियल इस्टेट बिल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसी में सेकेंड पार्ट है उपभोक्ता फोरम कैसे कार्य करता है, क्योंकि इसमें बात उपभोक्ताओं के अधिकारों की है, तो यहां यूपीएससी जो है आपको उपभोक्ता फोरम पर लेके जाएगा। तो ये अधिकार संबंधी मुद्दे हैं और अधिकार संबंधी मुद्दे आपका जीएस पेपर वन में बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। उपभोक्ता अधिकार क्या क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं। अगला इसी के साथ डेरिवेटिव क्वेश्चन इसी में जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में रियल इस्टेट की पोजीशन क्या है। आपको पता होगा कि विनिर्माण में जो है ये बहुत बड़ी भागीदारी रखता है, रोजगार में, निवेश में, जीडीपी में जो है वो रियल इस्टेट का जो है बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसका जो निगेटिव पक्ष ये है कि सबसे अधिक काला धन जो है खपाया जा रहा है वो रियल इस्टेट में खपाया जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाला जो अगला सबसे महत्वपूर्ण बिल होगा वो बेनामी प्रॉपर्टी बिल ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। सेक्शन 377 क्या है, आप बेयर एक्ट में आप जाएंगे सीधे आप ये पॉइंट उठाएंगे और मुश्किल से 5 मिनट में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 जो इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है, गुरुत्वीय तरंगों की खोज, उनके प्रभाव और भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता करना और भारतीय वैज्ञानिकों का इसमें क्या योगदान है। माना जा रहा है कि ये इस साल की सबसे बड़ी विज्ञान की घटना है जो पूरे भौतिक विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। गुरुत्वीय तरंगे आज से 1914 की बात है, जब आइंस्टाइन 30 साल के थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेसिकली एवरी मास इज रैप्ड बाय टाइम एंड स्पेस। उन्होंने ये बात कही कि जो गुरुत्व है वो बल ना होकर तरंगे हैं, हम इसको खोज नहीं पा रहे थे लेकिन लिगो में जो है इसकी खोज की गई और लिगो में ये बताया गया कि इसके जब दो बाइनरी स्टार ब्लैक होल हमें उसके अस्तित्व के बारे में पता चला कि ये जब टकराते हैं तो इन तरंगों को बहुत सूक्ष्म तरंगे हैं जिनको हमने अब जाकर सुना लगभग इस खोज के 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद। ये माना जा रहा है कि ये पूरे भौतिक विज्ञान को एक नया रूप दे देगा। इसमें दो प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, राइट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का जो भौतिक विज्ञान है वो बहुत ताकतवर रहा है तो ये हमें अपडेट करना है। साइंस रिपोर्टर का फ्रंट पेज का ये जो है न्यूज रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 112, भारत ईरान संबंध, चाबार समझौता, हरमुज जल संधि क्या है, अगर हम भूगोल में इसको जोड़ लेंगे, ईरान भारत के व्यापार की स्थिति क्या है और ईरान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 112 में, यानी हमने देखा कि हमने भारत और ईरान ने जो है वो एक समझौता किया और जिसको जो है चाबार समझौते के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि जब चाइना पाकिस्तान के साथ सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर संधि कर रहा है तो भारत को भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो है वो ईरान के साथ अपने संबंधों को स्थापित करना है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के लिए ईरान के लिए कॉरिडोर जो है वो इसके लिए हमें यहां से मिलेगा। यदि आने वाले समय में अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंधों को डिस्टेबलाइज करता है तो ऐसी कंडीशन में जो ईरान के साथ संबंध है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यूपीएससी जो है वो यहां पर भूगोल के प्रश्न पूछ सकता है। आपको पता है हरमुज जल संधि जो है वो विश्व में 32% जो तेल का व्यापार होता है क्रूड ऑयल का वो हरमुज जल संधि से होता है। तो ऐसी कंडीशन में हरमुज जल संधि की जो पोजीशन है वो बेसिकली जो फारस की खाड़ी है गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ वहां से होते हुए ये जाता है। तो पहली बात स्ट्रेट क्या होता है जिसे हम लोग और दूसरा इस पे काबू किसका, इस पे स्वामित्व किसका है और इसका ईरान के लिए क्या महत्व है। इसके साथ साथ जब हम इतिहास की तरफ जा सकते हैं, अब यूपीएससी यहां से हिस्ट्री की तरफ मूवमेंट करेगा, क्योंकि ईरान जो है जिसको प्राचीन काल में पर्शियन या फारस कहते थे एक बहुत प्राचीन सभ्यता है और उस समय जब हमारी जो बाउंड्री थी जैसे मौर्य काल ही हम समझ लें तो उस समय हमारी बाउंड्री जो थी वो गांधार से भी आगे लगा करती थी अफगानिस्तान से आगे। और ऐसी कंडीशन में जो फारस का साम्राज्य था वो बड़ा ताकतवर साम्राज्य था और हमारा उसके साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से था। तो वहां कौन सा साम्राज्य था, वहां पर किस प्रकार की जो है प्रगति हुई भारत के साथ, उसके ऐतिहासिक संबंध क्या रहे, ये प्राचीन भारत की बुक से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। सिविल एविएशन पॉलिसी यानी कि जो नागर विमानन नीति सरकार की क्या है। तो विमानन क्षेत्र की हम पहले महत्व की बात करें, ये क्वेश्चन मैंने क्यों मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैं एक पैटर्न देख रहा हूं कि हर साल परिवहन के एक क्षेत्र से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे पहले सड़क परिवहन, फिर रेल परिवहन,
आपने लास्ट ईयर देखा कि जल परिवहन का क्वेश्चन था, उसी तरह परिवहन का एक सबसे उभरता क्षेत्र हमारे देश में वायु परिवहन है, यानी कि जो आपका एयर ट्रेवलिंग है वहां पे। तो ऐसी कंडीशन में जो एयर ट्रांसपोर्ट है हमारे देश में अभी अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब हमारे यहां जो है अभी बहुत ज्यादा विकासशील नहीं हो पाया, विकसित नहीं हो पाया। अब ऐसी कंडीशन में ये जरूरी है कि हम इसमें जो है तेजी से प्रगति करें। भारत के लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ी है, उनकी जो इनकम है वो बढ़ी है, और भारत के लोग अब तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करना चाहते हैं। सबसे मुख्य साधन जो लंबी दूरी का ट्रैवल करने का है वो है रेलवे। तो रेलवे की कंडीशन ये है कि रेलवे को जिस गति से विस्तार करना चाहिए था, एक्सपेंशन करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। आज भी रेलवे की हमारी जो गति है वो 43 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से औसत हमारी जा रही है, और आज भी हम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर नहीं रख पाए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कंजेशन है, जो स्लोनेस है, वो बहुत ज़्यादा है। और अब जो है वो लोग काम के सिलसिले में, माइग्रेशन और या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान तेजी से जाना चाहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम जो है अपने भारत के एकीकरण और लोगों को तेजी से इधर से उधर ले जाने के लिए हम वायुयानों को विकसित करें। लेकिन भारत को इसके लिए तमाम नए डोमेस्टिक रूट्स खोजने पड़ेंगे, और इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में आपने देखा कि प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया, जिसमें शिमला दिल्ली की जो फ्लाइट शुरू की गई और छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि एयर पॉलिसी जो है वो जो सिविल एविएशन पॉलिसी वो अंतर्राज्यीय देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय नए नए रूट्स खोजेगी, और इससे जो है वो हमारे यहाँ एक ज़बरदस्त प्रतियोगिता आएगी। ये क्षेत्र जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को जो है आकर्षित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर तो है, इनकम भी है, लेकिन हमारे यहाँ वो सुविधाएं नहीं, क्योंकि इसको डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में तकनीकी और पैसे की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाना। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भूमि है वो राज्यों का विषय है, लैंड इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्स, और उसमें भूमि अधिग्रहण करना, तो ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से इसको अपडेट करिए। चुनौतियां यहाँ क्या हैं, हम जानते हैं कि ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भारत में बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इनकी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जैसे भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ी चुनौती है, निवेश बहुत बड़ी चुनौती है, तकनीकी बहुत बड़ी चुनौती है, सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी बात हम जो है वो बहुत महंगे एयर फेयर्स पे नहीं जा सकते, हमें सस्ते एयर फेयर्स चाहिए होंगे। तो इसको आप जरूर अपडेट करें। और उड़ान जो है जो अभी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार पीटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, वर्ष 2016-17 में इसरो की प्रमुख उपलब्धियां, ये तो आप मान के चलिए कि इससे इसरो से क्वेश्चन आना ही आना है इस बार। क्यों? क्योंकि इसरो ने इस बार पूरे साल, मतलब अकूत जो इसे कहते हैं कि जबरदस्त अपनी अचीवमेंट्स हासिल की, बहुत जबरदस्त। हमने 104 सैटेलाइट्स छोड़ दी एक साथ, जो कि अपने आप में विश्व में एक आश्चर्यजनक घटना है। हम जीएसएलवी की भी टेस्ट कर चुके हैं, पीएसएलवी तो हमारा जबरदस्त सफल रहा ही रहा, और इससे भी आगे बढ़कर जो है हमने इस बार सार्क देशों के एकीकरण के लिए हमने सार्क सैटेलाइट भी अभी हाल में छोड़ा। तो ऐसी कंडीशन में इसरो की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो आपने देखा कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-TD, स्क्रैमजेट, राइट, साथ ही साथ जो है हमारे अन्य उपग्रह जो उन्होंने छोड़े, तो ये सारे जो है वो दूर संवेदी उपग्रह इसरो की, उसमें जो है मंगलयान मिशन, चंद्रयान, MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन, और इसको करने वाले हम दुनिया के जो है पहले प्रयास में सफल होने वाले देशों में शामिल हैं। तो ये जो उपलब्धियां हैं इसरो की भरी पड़ी हैं। साथ ही साथ न सिर्फ अब इसरो जो है वो हमारे वैज्ञानिक उन्नयन, समाज के उन्नयन के साथ साथ अब ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है पैसा कमाने का। आज इसरो जो है उसकी व्यापारिक जो परिस्थितियां हैं, जो उसके व्यापार करने की संभावनाएं हैं, वो विश्व में बहुत अच्छी हैं। इसको आप जो चाहें तो आप इसरो की साइट पे ISRO.org की साइट पे आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, या साइंस रिपोर्टर से जो है आप इस पे स्पेशल इश्यूज हैं उस पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, NSG-MTCR का संगठन क्या है? आपको पता है कि NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो संसार में न्यूक्लियर वेपन्स के विस्तार, उसके प्रोलिफरेशन के लिए जो है नियंत्रण के लिए कार्य करता है। इसकी सदस्यता मिल जाने से जो है वो यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, जो कि शांतिपूर्ण परमाणु संयंत्रों के निर्माण की आधारशिला होती है, उसमें बहुत सहूलियत हो जाती है। भारत काफ़ी लंबे समय से इसकी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन के वीटो की वजह से
भारत को ये सदस्यता नहीं मिल पा रही है। वहीं भारत को इस साल जो है MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में जो है वो सदस्यता मिल गई। आप जानते हैं कि ये जो संगठन है ये बेसिकली उन पावरफुल देशों का संगठन है जहां पर वो मिसाइल 300 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल की खरीद फरोख्त भारत आसानी से कर सकता है, उसको ये तकनीक भी मिल सकती है और भारत स्वयं जो बनाकर बेच भी सकता है। इसके साथ साथ अन्य हथियार नियंत्रक संगठन कौन कौन से हैं, तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वॉसेनार ये भी दोनों जो हैं वो बेसिकली महत्वपूर्ण ग्रुप हैं, क्योंकि इसमें एक का संबंध केमिकल वेपन से और भारत बहुत पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि उसके पास कोई भी केमिकल वेपन नहीं है, तो इसमें जो है वो भारत सदस्यता पाने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है, लेकिन इसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि UPSC में ऑस्ट्रेलिया और वॉसेनार दोनों पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ अन्य हथियार नियंत्रक संगठन कौन कौन से हैं, रासायनिक हथियारों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या है और न्यायाधिकरण कहाँ है। तो जैसा कि हम लोग अभी आपने देखा कि सीरिया में रासायनिक हमले हुए, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, और अभी इससे पहले जब अमेरिका ने और ब्रिटेन ने जो है वो सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट पे हमला किया था और हाल ही में जो रिपोर्ट आई कि ब्रिटेन को जो है अन्य विकल्पों पे चर्चा करनी चाहिए थी, और अमेरिका ने आरोप लगाया कि इराक के पास जो है वो रासायनिक हथियारों का बहुत बड़ा खेप है। तो ये रासायनिक हथियारों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या क्या हैं, और अगर कोई विवाद होता है तो इनका जो सुलह सपाटा जो है यानी न्यायाधिकरण वो कहां पर है, क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस जाएगा और वो जो जजमेंट आएगा वो किस प्रकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 116, इस साल जो है नदी विवाद जो है नदी अंतर्राज्यीय नदी विवाद बहुत चर्चा में रहे, उसी में जो एक नदी विवाद है महानदी बैराज को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में जो है वो नदी विवाद क्या है। तो क्वेश्चन यहां से भूगोल का मूवमेंट कर सकता है कि महानदी का उद्गम कहां है, सोर्स जनरेट कहां से होती है, ओरिजिनेट कहां से होती है, उसका प्रवाह क्षेत्र कहां कहां है, महानदी की विशेषता क्या है, इसकी सहायक नदियां यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन है, और इसका मुहाना कहां है, ये कहां जाकर जो है मिलती हैं। तो ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग पहुंचते हैं 117 नंबर क्वेश्चन पे, वो है नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, गुट निरपेक्षता क्या होती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके सदस्य देश क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस बार जो है वो नॉन अलाइन 2016 में नॉन अलाइन मूवमेंट की जो बैठक हुई वेनेजुएला में, उसमें ऐसा बहुत मुश्किल शिप है जो नौ उद्यमिता उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, नए स्वास्थ्य बिल की जो नया हम लोग हेल्थ बिल लेकर आ रहे हैं उसकी मूलभूत बातें क्या है, साथ ही साथ जेनेरिक दवाएं किसे कहते हैं, और इसी के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है वो है जन औषधि योजना, जो जन औषधि वितरण केंद्र है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, PIB पे भी इस पे काफी अच्छे से विस्तार से चर्चा है, ये क्या होता है। तो आपको पता है कि नया स्वास्थ्य बिल आया जिसमें हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने की बात कर रहे हैं, और स्वास्थ्य जो है वो आने वाले समय में लोगों का मूलभूत अधिकार होगा। जेनरिक दवाएं हमें पता है कि वो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं जिसमें किसी भी जो कंपनी का पेटेंट नहीं होता है, किसी भी दवा का मूल तत्व होता है, बहुत सस्ता होता है, और भारत में जो है वो जेनरिक दवाओं को लेकर काफी जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। अब फिर से एक बार हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस साल जो बहुत चर्चा में रहा, क्वेश्चन नंबर 125, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जीवन दर्शन क्या है और तत्कालीन समसामयिक परिदृश्य में इनका जो है महत्व क्या है। तो गुरु गोविंद सिंह के विषय में सिखों के 10वें गुरु, इनको जरूर अपडेट करिएगा, यहां से इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके साथ ही इस साल जो चर्चा मेरा अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का समय काल क्या था, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन है, इनकी उपलब्धियां क्या है, इसके विषय में अपडेट जरूर कर लीजिएगा। 127, शेर शाह सूरी, समय काल, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, उनका राजनैतिक जीवन और उनका योगदान। और 128वां क्वेश्चन है अकबर, तो अकबर का जीवन परिचय, अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, अकबर की रणनीति, अकबर का दर्शन और राजनीतिक जीवन और उनका योगदान, चाहे वो दीने इलाही हो, चाहे वो जो है सर्वधर्म संभाव की बात करना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 129 में देखेंगे तो NGO क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इससे संबंधित विवाद क्या क्या हैं, और NGO को रेगुलेट करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। हमने देखा इस बार जो है वो तमाम NGO के लाइसेंस रद्द हुए, तो वो कैसे कार्य करते हैं, क्या प्रावधान है, इसके विषय में पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 130, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा चर्चा में कोई वर्ड और रहा होगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और अर्थव्यवस्था में इसके क्या प्रभाव और क्या चुनौतियां होंगी। तो इसको अगर आप चाहें तो सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 130 तक। इन क्वेश्चंस को आप सीधे, अगर आपको ये पता चल गया है कि ये क्वेश्चन क्या है, आप इसको इंटरनेट के माध्यम से भी, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं या अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। जल्दी ही मैं इनके आंसर जो है वो अपनी वेबसाइट के कंस्ट्रक्शन, जो उसका भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद में आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी और वीडियो फॉर्मेट में भी। बस मेरी यही कोशिश है कि आप लोग अपने आप को बिल्कुल अकेला ना महसूस करें और इस बार पीटी में बहुत अच्छे से प्रयास करिए, क्योंकि मेंस को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। मेंस पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स में मैंने लगातार पिछले 2 सालों से मैं लगातार 60% 70% क्वेश्चन जो पढ़ाए, मेरी क्लास में पढ़ाए हुए हैं, वो सीधे सीधे आ रहे हैं। बस जो अवरोध है, जो दिक्कत है, वो केवल और केवल प्री एग्जाम है। कोशिश यही है कि इनके माध्यम से मैं आपको बहुत टारगेट कर सकूं। इसको पढ़िए, कहीं भी अगर कोई दिक्कत आ रहा है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिए, इनकी पीडीएफ आप मुझसे क्वेश्चंस की ले लीजिए और हम लगातार संपर्क में रहें। इन वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए उन दोस्तों को भी जो दोस्त दिल्ली नहीं पहुंच सकते या जिनको ये लाभ जो है वो बहुत आवश्यक है, आप अपने बीच में इसको लेकर जाइए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे और है, यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही मैं लाइव क्लासेस ले सकता हूं। तो कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को भी बोलिए, अपने कम्युनिटीज में भी बोलिए कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करें। 3,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो रहे हैं, जल्दी 10,000 हो जाते हैं तो मैं जो है ऑनलाइन जो है वो लाइव क्लासेस ले सकूंगा और हम आप कहीं भी बैठे हों मैं आपको जो है वो यूट्यूब पर आकर टीच कर पाऊंगा, इन क्वेश्चंस के आपको जवाब दे पाऊंगा। तो कुछ सहयोग आपकी तरफ से भी रहेगा तो हम मिलकर जो है वो आपकी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। हारने का कोई वक्त नहीं हमारे पास, हमें जो है आगे बढ़ना है और जीतना है। धन्यवाद दोस्तों।